दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो हम इस समय इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और आज ही एक नई नोटिफिकेशन आई है इंडियन आर्मी ओपन रैली 2021 को लेके। तो चलिए, सबसे गुड न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूँ ओपन रैली के बारे में। इस रैली के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी बताने जा रहा हूँ। और हाँ, लड़के इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कब से इसका ऑनलाइन स्टार्ट है वो भी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, जितने भी लड़के या जितने भी लड़कियां ज्वाइन इंडियन आर्मी यानी सेना भर्ती की तैयारी करते हैं या करती हैं, तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी बनेगा प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। ट्यूटोरियल आर्मी ओपन रैली, जनरल रैली, स्पोर्ट भर्ती, रिलेशन भर्ती, साथ में आपको उसका एग्जाम क्वेश्चन पेपर, ठीक है, फिजिकल मेडिकल, उसका जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, सब कुछ आपको बताया जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको उस रैली के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो आज ही के डेट में रिलीज हुई है। उसकी पोस्ट बताऊंगा, अदर कुछ डॉक्यूमेंट जुड़ा होगा तो वो भी बताऊंगा। सारी जानकारी आपको 2 मिनट में दे दी जाएगी, ठीक है। तो चले पीडीएफ को हम व्यू करते हैं और उसके बाद डिटेल पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप करके आपको देने जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि सारी अपडेट जितनी भी आती है यहीं पे हो जाती है, इंडियन आर्मी यहाँ पे रैली लिस्ट जो आती है सभी के लिए आ जाती है, ठीक है। तो चलिए, इस रैली के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप करके सारी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि 2021 यानी 2021 में जितने भी लड़के आर्मी की भर्ती देख रहे हैं उनके लिए एक पोस्ट आई है जीडी की, टेक्नीशियन की, नर्सिंग असिस्टेंट की, उसके साथ ही साथ आई है आपकी सोल्जर क्लर्क की और यहाँ पे ट्रेडमैन की 10th पास और 8th पास, ठीक है। ट्रेडमैन में कन्फ्यूज मत होइएगा, ट्रेडमैन की 10th पास भी आती है, 8th पास भी आती है। जब 10th पास आएगी तो यहाँ पे 2 पोस्ट होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर 8th पास आती है तो यहाँ पे भी अलग 2 पोस्ट होती हैं, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। हालांकि आर्मी में भर्ती होने का सिर्फ एज इसमें होता है 17.5 से 23 जनरल रैली के लिए, और ओपन रैली और ट्यूटोरियल आर्मी के लिए होता है 18 से 42 साल, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप लोग की इस भर्ती को देखेंगे कैसे, इसकी भर्ती की पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ बता दूँ, जो पहले डॉक्यूमेंट लगते थे वही डॉक्यूमेंट हैं, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ राज्य का नाम, स्टेट नेम, जिन जिन राज्यों के लड़के इसे अप्लाई कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ जितने भी डिस्ट्रिक्ट तहसील आते हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान दीजिएगा और यहाँ तक सेम डिटेल वही है, ठीक है। COVID-19 का रिपोर्ट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, इस समय महाराष्ट्र में COVID-19 के संक्रमित ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वहाँ की रैलियों को हो सके तो एग्जाम को पोस्टपोन किया गया है। और यहाँ पे सेम वही डिटेल है, सब वही स्कूल का करेक्टर, स्कूल सर्टिफिकेट, सब कुछ सेम, एफिडेविट वगैरह, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए, आपको अब मैं दिखा देता हूँ ऑफिशियल साइट पर इसका नाम और रैली डेट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इस पेज को मैं एक बार अगर रिफ्रेश करता हूं तो ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट का ये जो साइट है दोबारा लिंक ऑन होगा, ठीक है। और यहां पे आपको जो नीचे अपडेट दिख रही है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसे खुल जान दीजिए, खुल गया, चलिए ठीक है। नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद आपको जो रैली दिख रही है उसके बारे में आपको बताते हैं। और सभी लड़के ये ना सोचें कि हमारी रैली आगे होगी या पीछे होगी, रैली होगी, उसमें हौसला आप अपना बुलंद रखिए। साथ ही साथ उम्र को लेकर थोड़ी बहुत जो नाइंसाफी हुई है उसके लिए तो अभी हम कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ARO गोंटक रिक्वायरमेंट रैली, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ये रैली है और सभी लड़कों के लिए है। और चलिए डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, ये आंध्र प्रदेश की रैली है। यहाँ पे PDF व्यू फिर से एक बार कर देते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये रैली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन आंध्र प्रदेश के लिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम नोटिफिकेशन GD, टेक्नीशियन, सोल्जर टेक और क्लर्क, और यहाँ पे ट्रेडमैन, ठीक है। यहाँ पे अब ऊपर हम ऑफिशियल जो इसकी नोटिफिकेशन है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ये जो रैली आई है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्लीज पूरी केयरफुली इंस्ट्रक्शन को पढ़िए, क्योंकि अगर आप कुछ छोड़ देते हैं तो फिर आपको वहाँ पे रिजेक्ट भी कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, कह रहा है इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप लोग का स्टार्ट हो चुका है 17 मार्च से और ये चलेगा 30 अप्रैल तक, ठीक है। 17 मार्च से 30 अप्रैल तक इसका ऑनलाइन चलेगा। और एडमिट कार्ड इशू होगा आपका तो आपके मेल पे आ जाएगा नोटिफिकेशन, साथ ही साथ आप 1 मई से एडमिट कार्ड भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, उससे पहले। साथ ही साथ आपको बता दूं रिक्वायरमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे कुछ और भी अदर चीज जुड़े हैं जो लड़कों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले ऊपर देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट के नाम, ठीक है, यहाँ पे चेन्नई विल बी, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट जोन हेडक्वार्टर, और यहाँ पे ये कंडक्ट, तो ये बता रहा है कि इस राज्य में जितने लड़के हैं इसका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसका अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया है डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया, पोखरण,
ठीक है, कुणाल 1 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट दिया है आंध्र प्रदेश के, यहाँ के लड़के अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख रिक्वायरमेंट प्रोग्राम में और मेडिकल एग्जाम ऑफ कैंडिडेट में देख लीजिए, प्राइमरी मेडिकल ऑफ विदाउट चेकिंग, ये इफेक्टिव ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। रैली साइड पे स्पोर्ट पर्सन है तो उनके लिए भी स्पेशल छूट दी जाएगी, ठीक है, वैलिड है। बस ये 3 जो मेन नोटिफिकेशन जुड़े थे उन्हें देखना ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। और ऐसे ही हाल ही में रैली के नीचे नोटिफिकेशन जुड़ जाते हैं और ऐसे ही COVID-19 का भी जुड़ा है, ठीक है। तो ये यहाँ के लड़कों के लिए जो ये ओपन रैली है, फटाक से इसका फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कतें आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और सारी अपडेट आपके भी राज्य में जो अगली भर्ती आने वाली है यूपी की या अदर राज्य की, उसके भी अपडेट आपको दे दी जाएगी टाइम टू टाइम। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।